झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 30 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, जहां पर पहले चरण में 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा सीटों के लिए 5 चरण में मतदान होगा और 23 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। दूसरे चरण का मतदान 1 दिसंबर को, 12 दिसंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, वहीं चौथे चरण की वोटिंग 16 दिसंबर को और पांचवें चरण की वोटिंग होगी 20 दिसंबर को। 13 विधानसभा सीट कौन कौन सी हैं जिन पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, आपको बता दें ये हैं चतरा, गुमला, विष्णुपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टेनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, गढ़वा, हुसैनाबाद और भवनाथपुर। तो ये 13 सीटें हैं, विधानसभा सीटें, जहां पर पहले चरण के तहत वोटिंग होगी 30 नवंबर को। और आज शाम ये चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, तो आखिरी दिन पहले चरण के लिए पूरी जोर आजमाइश तमाम पार्टियां करती हुई आ रही हैं और उसी के तहत आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नजर आएंगे झारखंड के चुनावी मैदान में, जहां पर हुंकार भरेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। 5 चरणों में वोटिंग है और नतीजे 23 दिसंबर को सभी के सामने आ जाएंगे। तो जिस तरह से हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा और कई राज्यों में उपचुनाव हुए, उनमें जिस तरह से बढ़त कुछ पार्टियों को मिली तो कुछ को नुकसान हुआ, तो ऐसे में अब देखना होगा कि फिलहाल झारखंड में किस तरह से किसको उम्मीदें यहां पर मिलती है और कौन कहीं ना कहीं जिसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा।